हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम की। हम देखेंगे कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसे एयरक्राफ्ट में क्यों यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या होता है। तो ध्यान रखिए, फ्लाई बाय वायर सिस्टम एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम पायलट के कमांड को कॉकपिट से लेकर के फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस तक पहुंचाते हैं बिना किसी भी कंट्रोल रॉड्स, केबल, पुलीज या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड के यूज़ के। जहां कहीं भी ये सिस्टम यूज होता है, जहां पर हम इन सारी मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ ना करके बल्कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं पायलट के कमांड को कंट्रोल सर्फेस तक पहुँचाने के लिए, उस सिस्टम को कहते हैं फ्लाई बाई वायर सिस्टम। अब अगर बात की जाए वर्किंग ऑफ फ्लाई बाई वायर सिस्टम की, तो ये समझना काफ़ी ईजी होता है। कैसे ईजी होता है? जैसे ही पायलट कोई भी कमांड कॉकपिट में देता है, कमांड वो कैसे देता है, या तो वो कंट्रोल व्हील्स का यूज करता है या फिर साइड स्टिक्स का यूज करता है। जिस तरह से कंट्रोल व्हील्स को यूज किया जाता है कमांड देने के लिए, उसी तरह से सेम एयरबस के ज्यादातर एयरक्राफ्ट में साइड स्टिक्स का यूज किया जाता है, जिनका सेम काम कंट्रोल व्हील का ही होता है। ये भी पायलट्स को कमांड देने की हेल्प में यूज किया जाता है। तो जैसे ही पायलट अपने कमांड को देता है, चाहे वो कंट्रोल व्हील का यूज करे या फिर साइड स्टिक का यूज करे, उन मैकेनिकल कमांड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद वायर की मदद से इनको कंप्यूटर तक भेजा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो फ्लाई बाय वायर सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है? जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां आता है, वो उसको कंप्यूट करता है और कंप्यूट करने के बाद ये देखता है क्या जो सिग्नल आई है वो डिजायर्ड सिग्नल और डिजायर्ड कंडीशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि पायलट ने कोई गलत कमांड कर दिया जिसकी वजह से स्टॉलिंग या स्पिनिंग जैसी कंडीशन आ सकती है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ये हमारा कंप्यूटर इन सिग्नल्स को वायर के थ्रू ही इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के पास भेजता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्चुएटर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर के उनको हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो में कन्वर्ट कर देती हैं। कहने का मतलब ये कि वो हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रेशर की मदद से हमारा कंट्रोल सरफेस घूमता है। अब इस चीज को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम इसमें डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स का यूज करते हैं, जो हमें ये बताती हैं कि आपका कंट्रोल सरफेस कितना घूमा है। जैसे ही उसको ये पता चलता है कि कंट्रोल सरफेस अपनी जगह से कितना घूमा है, एक फीडबैक सिग्नल जाता है दोबारा से हमारे कंप्यूटर के पास, ताकि वो चेक कर सके कि जो कमांड पायलट ने दिया था क्या वो पूरी तरह से फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ है तो पायलट को इसकी सूचना इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक, अब जो अगला सवाल हमारे मन में आता है वो ये कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम का मॉडर्न एयरक्राफ्ट में इतना ज्यादा यूज क्यों किया जाता है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें ना तो कंट्रोल केबल्स का यूज हो रहा है, ना कंट्रोल रॉड्स का यूज हो रहा है, ना पुलीज का यूज हो रहा है। इवन कि आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड का भी यूज कहां पे? सिर्फ एक्चुएटर्स में किया जा रहा है। तो इससे हमारे एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये सबसे मेन एडवांटेज होता है फ्लाई बाय वायर सिस्टम का। अब क्योंकि वेट रिड्यूस हो जाता है तो फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये कि इससे बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल करा जाता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। अब आप अगर इतनी चीजों को देखें तो आपको समझ में आया होगा कि हम काफी कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। इस कारण से फ्लाई बाय वायर सिस्टम के दो डिसएडवांटेज होते हैं। पहला तो ये कि इन केस अगर किसी भी तरह से कंप्यूटर फेल हो जाए तो हमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिडंडेंट यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज करते हैं और साथ में किसी मैकेनिकल या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम का बैकअप रख के चलते हैं, ताकि अगर दोनों कंप्यूटर्स भी फेल हो जाएं तब भी हमारे पास बैकअप यूनिट रहे। दूसरा, क्योंकि पायलट को किसी तरह का फोर्स तो लगाना नहीं पड़ता कंट्रोल सरफेस को घुमाने के लिए, तो उसे इस फीलिंग की कमी होती है कि क्या कंट्रोल सरफेस अपनी प्रॉपर जगह पर घुमा है कि नहीं घुमा है। हालांकि इसके लिए हमने कंप्यूटर में एक फीडबैक सिग्नल ले रखा है जो कि करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से हमने बात की कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे एयरक्राफ्ट में क्यों यूज किया जाता है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग फ्लाई बाय वायर सिस्टम। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।